नमस्कार, इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। आज दिन भर आप राजनीतिक चर्चाएं तो सुन ही रहे हैं, लेकिन इन राजनीतिक चर्चाओं के बीच थोड़े सुकून के पल अगर आपको तलाशने हैं तो भी आपको इंडिया टीवी पर ही आना होगा, क्योंकि अपर्णा यादव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अब मैं किसी भी तरीके की पॉलिटिकल चर्चा किए बगैर मैं सीधा उन मुद्दों पर बात करना चाहती हूँ जो वाकई हमारे देश की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं संगीत की ही संस्कृति की बात करती हूँ, तो ये तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगी। हमारी वैसे तो ध्रुपद ख्याल जिनसे आपने सीखा है, जो आपके गुरु हैं गुरु शिष्य परंपरा में, ये ध्रुपद गायकी ही अपने आप में बहुत कठिन लेकिन बहुत ही सुंदर। इसके चार भाग जो होते हैं, जैसे स्थाई अंतरा, संचारी, आभोग से, आप मतलब पूरा बताइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको पता ही नहीं होगा कि ये मतलब ध्रुपद क्या चीज़ है। देखिए, ध्रुपद जो है बहुत ही प्राचीन तरीका है गायकी का, और इसमें चाहे आप कह लीजिए कि जो लयबद्धता है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब इट इज़ बड़ा लयबद्ध और तालबद्ध है, तो इसमें दोनों तरीके से चलना होता है। तो लय तो देखिए कई उसमें, देखिए ठुमरी में भी है, मगर जो है उसमें ताल अपने हिसाब से आप अपने आलाप के साथ, क्योंकि मैंने ठुमरी में स्पेशलाइजेशन किया है भातखंडे से, तो उसमें आप कर सकते हैं। पर ध्रुपद में सांचों में खिंचा हुआ है शब्द और स्वर दोनों। तो मिसाल के तौर पर आप बताइए, क्योंकि मुझे भी सीखे हुए बहुत अरसा हो गया, भैरवी में एक मैंने सीखा था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, स्वतंत्र आप। एक नादबेदा अप्रम पार पाया हूँ न पाया, गुने गाया गाया जपे सा थके सब सुर नर मुनि जन देवा। तो इतना मुश्किल है, उतार चढ़ाओ, तो मुझे लगता है कि ध्रुपद जैसी ही कुछ राजनीताज की है। जिस राग में आपने गाया, मैं गलत नहीं हूँ तो राग हिंडोल है? हिंडोल है जी, जी हिंडोल है। और जैसा आप बता रही हैं कि अब यही जो है, अगर इसे दुगुन में गाएंगी, तिगुन में गाएंगी, चौगुन में गाएंगी, उसके लिए मुझे फुल टाइम जो है प्रैक्टिशनर बनना पड़ेगा, क्योंकि गायन का काम मुझे लगता है साधना से कम नहीं है, एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट। राजनीति से ज़्यादा साधना गायन में लगती है? बिल्कुल, और मुझे लगता है कि कम से कम आपका अभ्यास जो है रोज़ का 4 से 5 घंटे तो होना ही होना चाहिए। पर अगर आपको कोई गुरु मिल जाए इसमें तो इट बिहेव्स लाइक अ लाइट हाउस। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके जीवन में, अगर आप गायन में हैं या किसी भी कलात्मक क्षेत्र में हैं, नृत्य में है, गायन में है, या आप पेंटिंग भी करते हैं, वट एवर, आई थिंक यू नीड अ गुरु, इवन इन पॉलिटिक्स यू नीड अ गुरु। तो राजनीति में आपके गुरु, आपने देखिए फिक्र छेड़ दिया, तो मुझे पूछना पड़ेगा राजनीति में आपके गुरु कौन है? देखिए, अभी तक तो जो है मेरे राजनीतिक गुरु नेता जी रहे, और बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि भाई उनकी मैं बहू हूँ, और हमेशा उन्होंने अच्छी राय दी मुझे, और आज भी उन्होंने, जब मैंने जब पार्टी ज्वाइन करी तो उन्होंने आशीर्वाद दिया जी। और आप चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी में आ गई हैं, तो मोदी जी की राजनीति को कैसे देखती हैं? क्या उसमें संस्कृति की झलक दिखाई देती है? आपको लगता है कि कलाकारों को सम्मान है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है विशेषकर ध्यान देते हैं कि भारत की परंपरागत जो संस्कृति है, जो लोक कला है, उसको कैसे ग्लोबल मैप पे लाया जाए। और इसी क्रम में उन्होंने एक आर्टिस्टिक पैच था, उसका नाम मैं भूल रही हूँ, पर उन्होंने ये जब तत्कालीन राष्ट्रपति थे बराक ओबामा साहब, उनको वो एक पेंटिंग गिफ्ट करी थी, एंड दैट पर्टिकुलर पेंटिंग मेड हेडलाइंस अक्रॉस द वर्ल्ड बिकॉज इट वॉज कह सकते हैं फॉरगॉटन आर्ट, जैसे ध्रुपद स्टाइल ऑफ सिंगिंग है। तो प्रधानमंत्री जी
बहुत ही ज़्यादा विशेषता इस पे ध्यान देते रहते हैं कि हम कैसे छोटी छोटी चीज़ें जो भारत के मूल्य हैं, जो भारत से जुड़ी हुई उनकी कलाएं हैं, उनको कैसे हम जो है आगे प्रचार प्रसार करें उनका। जैसे उसी क्रम में उन्होंने पद्मश्री और भारत रत्न भी कई ऐसे लोगों को दिया, महिलाओं को दिया जो ट्राइब्स से बिलोंग करती थी। तो ये देखिए, ये दिस इज़ मुझे लगता है कि आगे की सोच रखने वाला व्यक्ति जो ये सोचता है कि आज ही नहीं हमारा कल भी सुधरे, हमारी पीढ़ियां सीखें, तो उसको बचा करके रखने का अगर किसी ने काम किया है तो इस पर कोई दो राय नहीं है कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जी। देखिए, आपने क्योंकि लोक कला का जिक्र किया और आपने तो संगीत विधा सीखी है, क्या फोक म्यूजिक भी आपने सीखा? कभी आपको ये चांस मिला कि जहाँ से आप हैं उत्तराखंड के, वहाँ की वहाँ का कुछ फोक सीखा हो? वहाँ के पहाड़ी कई गीत सीखे, और जो है मैंने, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में हूँ और उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है, तो मैंने भोजपुरी में भी कई गीत सीखे। भोजपुरी सुनाऊँ कि पहाड़ी सुनाऊँ? जो आप, मैं तो कहूँगी आप दोनों सुनाएं। सबसे पहले क्योंकि मेरे रूट्स उत्तरांचल से हैं तो मैं उत्तराखंड की गीत गाती हूँ। घुगुती गुरुण लगी म्यारा मैथ की, बड़ी बड़ी ऐगी ऋतु ऋतु चैत की, ऋतु ऋतु चैत की। तिबरी में बैठा वाला बाबा जी उदास, माडूहिणी होली माँ जी लागी होली आस। कब म्यारा मैथी होली पिता भेजी आला, कब मेरे भाई बहनों की राजी खुशी लाला। गोगोती घुरोण लगी हो, ऐसा है ये गाना। कितना मीठा गाती हैं आप। शायद सब एक बच्ची है जो अपना सोच रही है कि चैत्र आने वाला है, कब मेरे माता पिताजी की खुशखबरी आएगी कि वो लोग सकुशल हैं कि नहीं, और ये डिस्क्राइब करता है ये गाना पहाड़ी में जी। और भोजपुरी हो जाए। भोजपुरी में मेरे को याद है, आई वॉज वेरी स्मॉल और भोजपुरी महोत्सव हो रहा था यहीं लखनऊ में, उस समय मनोज तिवारी जी बहुत अच्छे, अभी भी गायक हैं वो, उस समय भी बहुत अच्छे गायक थे, तो उनके साथ मैंने एक बहुत फेमस फिल्म है नदिया के पार, उसका गाया था गाना। कवन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कवन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कवन दिशा में लेके चला रे बटोहिया है। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे देखन दे। ऐसे जी। वैसे तो मेरा मन कर रहा है दो चार गीत और सुन लूं, लेकिन मैं जानती हूँ समय बहुत कम होता है और आपने इतना समय दिया, और मैं बहुत सारी शुभकामनाएं आपको दूंगी क्योंकि पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जिनके अपने कल्चरल रूट्स बहुत मजबूत हों, क्योंकि आप लोग ही शास्त्रीय संगीत को और आगे बढ़ा सकते हैं, उसे अच्छा मुकाम दे सकते हैं, कलाकारों को वो इज्जत दे सकते हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, और मैं चाहती हूँ कि हम जैसे युवा और भी ज़्यादा लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें, और इस देश के स्वर्णिम इतिहास और जो स्वर्णिम कल आने वाला है उसमें अपना रचनात्मक प्रयास जारी रखें। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद अर्पणा जी।